अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है खमन ढोकरे। आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम लोग चने की दाल लेंगे, यानी एक कप। अब इसी रेशो से एक कप चावल लेंगे और इन इन दोनों चीज़ों को अच्छे से धो के सारी रात भिगाने के लिए रख देंगे। दाल सारी रात भिगा के रखने से अच्छे से भीग चुकी है। अब छन्नी की मदद से इसका सारा पानी निकाल देंगे। छन्नी की मदद से हमने सारा पानी इसका खुश कर लिया है। अब एक ब्लेंडर जग में इसको डाल देंगे। जग में डाल के हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, 5 अदद लहसुन की कलियां, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 कप दही का और 3 अदद हरी मिर्चें, नमक हसबे जायका डाल के इन सबको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड होके हमारा हमेजा तैयार हो गया है। अब इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। गर्मी हो तो इसका फर्मेंटेशन जल्दी होता है, 6 से 7 घंटे में हो जाता है, मगर सर्दियों में 8 से 9 घंटे इसको रखना पड़ता है। अब एक रैपर की मदद से इसको रैप कर दें और किचन काउंटर पे रख दें फर्मेंटेशन के लिए। आठ घंटे हो चुके हैं। अब हम अपना रैपर हटा के देखते हैं कि क्या ये अच्छे से फर्मेंटेशन हुई है कि नहीं हुई। देखिए ये फ्लफी हो गया, मतलब ये अब स्टीम करने के लिए तैयार है। परफेक्ट फर्मेंटेशन हो गई है। अब 1 टीस्पून खाने का सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखें इसका टेक्सचर अभी गुलाबी रुत है, इसलिए जरा टाइम 8 घंटे लगेंगे, मगर सर्दी होगी तो 2 घंटे ज्यादा लगेंगे इसमें फर्मेंटेशन होने के लिए। अब जिस थाली में आपको सेट करना है आप वो ले लीजिए। इस खमन ढोकरे को स्टीम करना है। एक छोटा थाली इतना कि इसमें फिक्स हो जाए। अब इसको तेल से ग्रीस करना है। अब थोड़ी सी कुटी दें डाल दो और ये आपने जो बैटर तैयार किया था ये पूरा इसमें डाल दो। अब इस खमन ढोकरे के बैटर को देगची के ऊपर रख दें और चूल्हा ऑन कर दीजिए। देगची के अंदर पानी हाफ आना चाहिए ताकि हमारा खमन ढोकरा अच्छे से स्टीम हो जाए। अब इसके ऊपर एक ढक्कन ढक दें और तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको स्टीम होने दें। स्टीम हो रहे इस उसमें हम लोग चटनी, खमन ढोकरे की चटनी बना लेते हैं। ये एक हरी मिर्च है, लहसुन के 8 कलियां हैं और 2 टेबल चम्मच लाल मिर्च है।
हाफ कप इमली का पानी, इन सबको ब्लेंडर कर दें। हमारा आधा घंटा हो गया है, अब टूथपिक की मदद से खमन ढोकरे को चेक कर लेंगे। हमारी टूथपिक एकदम साफ आई है, इसका मतलब है खमन ढोकरे हो गए हैं। अब चूल्हा बंद कर देंगे और 15 मिनट के लिए ठंडा करके इसके टुकड़े काट लेंगे। अब खमन ढोकरे की बिगाड़ के लिए एक देची लेंगे, इसमें 2 टेबल चम्मच तेल डाल देंगे और राई दाना 1 टेबल स्पून डालेंगे। कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद डाल देंगे। इसे अच्छे से घुमा लें और जो हमने ढोकरे काट के रखे थे ये इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छे से घुमा लें। हमारे खमन ढोकरे रेडी हो गए हैं। हमारे खमन ढोकरे रेडी हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक्स और कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।